नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। नमदारगंज थाना इलाके का महानंदपुर गांव में आज एक बड़ी घटना टल गई। बताया जा रहा है कि 20, 25, 30 भी लोग बता रहे हैं, करीब 25, 30 के आसपास की संख्या में रहे लोग उस गांव में पहुंचे थे, स्कॉर्पियो से, मोटरसाइकिल से, और सभी हरवे हथियार लाठी डंडा पहना से लैस थे और उस गांव में पहुंचे थे किसी नवल सिंह के दरवाजे पे। और वहां पे ये लोग जो पहुंचे तो इन लोगों के द्वारा, मतलब वो नवल सिंह के साथ गाली गलौज जो भी होता है, और उसके बाद जो स्थिति बनी, चूँकि बाहर से ये लोग पहुंचे थे उस गांव में और अचानक से पहुंचे थे, और जिस ढंग से मोमेंटम वहाँ बनाया गया था, गाली गलौज दुनिया जो होता है और लाठी डंडे हरवे हथियार से लैस थे, तो ग्रामीणों ने कुछ एक्शन लेने के पहले पुलिस को सूचना दे दिया। 112 नंबर की गाड़ी, जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती है, वो गाड़ी वहाँ पर पहुँची। और इस दौरान जो है सो जैसे ही पुलिस पहुँचती है कि ये जो लोग, जो बाहरी लोग पहुँचे थे, उन लोगों पर ग्रामीण टूट पड़ते हैं। जबरदस्त तरीके से कुछ लोगों की धुलाई होती है, पिटाई होती है, ईंट पथराव चलता है, कुछ लोगों को ग्रामीण पकड़ भी लेते हैं और उसे पुलिस को भी सुपुर्द कर देते हैं। तो इस दौरान जो बताया जा रहा है कि 3-4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिसमें एक का नाम है ब्रजेश सिंह, एक बताया जा रहा है नवीन कुमार और एक कोई राहुल। ये तीन का एंट्री नवादा सदर अस्पताल में पुलिस के द्वारा ही भर्ती कराए गए तीनों को। और जो बताया जा रहा है उसमें नवीन के सिर में 5-6 टाके लगाने पर हैं, सर फट गया है। इसके अलावा ब्रजेश का बताया जा रहा है कि पैर में फ्रैक्चर वगैरह है, बुरी तरह पिटाई है, और राहुल के साथ भी मारपीट हुई थी। और उस दौरान पुलिस को ग्रामीणों ने पकड़कर एक और अपराधी को सुपुर्द किया, जिसके पास कोई आर्म्स वगैरह भी था, कट्टा था, रिवॉल्वर था, यह अभी स्पष्ट होना बाकी है। तो दरअसल पूरा बाकी है क्या, लोग बता रहे हैं, जो बात छनकर आई है कि ये जो लोग 25-30 की संख्या में उस गांव में पहुंचे थे नवल सिंह के दरवाजे पे और बेतरतीब तरीके से पेश आ रहे थे, जो ग्रामीणों को नागवार गुजरा और इस प्रकार की घटना हुई, जबरदस्त मारपिटाई की गई इन लोगों की, बाकी लोग तो भाग गए लेकिन कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, आर्म्स भी रिकवर हुआ है। तो दरअसल पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि महानंदपुर गांव नवादा नगर से सटा हुआ इलाका है, अब तो नगर परिषद जो विस्तारीकरण हुआ है उसका नवादा नगर परिषद का वो हिस्सा भी हो गया हुआ गांव ये महानंदपुर। तो वहाँ के किसी व्यक्ति, कोई जितेंद्र और दीपक बताए जाते हैं, जिनका संभवतः वहाँ ननिहाल वगैरह है, जो लोग बता रहे हैं कि वो संपत्ति, मतलब किसी परिवार का वंश नहीं था, नवल सिंह के ही कोई हिस्सेदार थे, उनका वंश नहीं था, तो उसके बारे में, उस संपत्ति के बारे में कोई जितेंद्र और दीपक बने थे, वो उस गांव में रहते थे, अब जो है सो वो शायद गांव में नहीं रहते हैं, नवादा टाउन में कहीं रहते हैं। उन लोगों के द्वारा कोई 1.5 बीघा का कोई प्लॉट है गाँव के पास ही, महंगा प्लॉट है, उसका जो है माफियागिरी कही, खरीद बिक्री को लेकर के कुछ विवाद था, और उसी को लेकर ये जो है सो जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है, जो लोग जख्मी है, ये लोग पूरा एक टोली बना करके, एक गिरोह टाइप का बना करके वहाँ पहुँचे थे। और उस टोली को लीड करने वाले 2-3 बड़े ना चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं। बड़े चेहरे क्या होंगे, चर्चित चेहरे हैं। बताया जा रहा है कि कोई मनोज सिंह है, ब्रजेश सिंह है, इसके अलावा कोई सीलू है, तो इस टाइप के चेहरे जो है सो किसी न किसी रूप में इन लोगों का बड़ा नाम है शहर के अंदर, ये लोग थे। और लेकिन है कि अब किसी के गांव में जाकर आप पहुंच गए और वहां पे इस टाइप से किए, तो ग्रामीणों को बुरा लगा और ग्रामीणों ने इन लोगों पर हमला कर दिया। बड़ी लेकिन संजोग यही रहा कि कोई फायरिंग तायरिंग नहीं हुआ, पुलिस चूंकि वहाँ पर पहुंची हुई थी, बड़ी घटना टल गई। और इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से जो जानकारी मिली है, FIR होना तय है, पुलिस पहुंची है उस गांव में। इस बारे में हमारी बातचीत नमदारगंज थाना अध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार से हमारी हुई, उन्होंने कहा कि अभी तो कार्रवाई हुई है, गांव की स्थिति नॉर्मल है,
सब कुछ शांत है, और जैसे ही इसमें कुछ और हमारी पूरी नज़र है, पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है, और जो भी होगा कुछ देर के बाद स्पष्ट किया जाएगा कि कितनी गिरफ्तारियां हैं और क्या क्या FIR हुआ है, कौन कौन लोग एक्यूज्ड बने हैं, कितने लोग इंजर्ड है वगैरह, जो भी स्थिति साफ करने में उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है। तो दोस्तों हम इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार कीजिए, जैसे इस खबर में कुछ और अपडेट आता है तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक अपील कि अगर अब तक हमने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।